बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द किचन सीन्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी या चाइनीज़ फ्राइड राइस की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द किचन सीन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पे 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। इसमें हमने ऐड किया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप अरारोट पाउडर ऐड कर दें या इसकी जगह आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं। इसे अब अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। अगर टाइम ना हो तो इसे आप डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। फ्राइड राइस में हम अंडा भी यूज़ करेंगे, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसमें हम 2 चुटकी नमक ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब दूध ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे इस तरीके से। अब इसको हम रख देंगे साइड में और अब हम फ्राइड राइस बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक पैन ले लिया है, उसमें हमने 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें अंडे का मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा है वो डाल देते हैं। अब अंडे को हमें फ्राई कर लेना है, तो इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये सख्त हो जाएंगे और फ्राइड राइस में ज़्यादा पका हुआ अंडा थोड़ा टाइट हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसे हमें इस तरीके से चलाते हुए फ्राई कर लेना है। बस अंडा हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाना चाहिए, इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। यहाँ पे देखिए अंडा अच्छी तरह से पक चुका है, इसे अब हम निकाल लेते हैं। इसी पैन में दोबारा हम 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और हमने जो चिकन तैयार करके रखा था वो इसमें हमें डाल देना है। चिकन को हमें हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए फ्राई कर लेना है। जब चिकन फ्राई हो जाएगा तो इसे हमें ढक करके 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेना है ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। चिकन को हमने एक बार बीच में चलाया था ताकि ये नीचे लगे नहीं। तो ये देखिए अच्छी तरह से पक चुका है, इसमें बहुत अच्छा कलर भी आ गया है। बस इसी पॉइंट तक इसे हमें पकाना था, तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं। अब हमें इसके बाद एक खुले मुंह का बर्तन लेना है, इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब ऑयल और जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। लो फ्लेम पर इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। इसी के साथ अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, इसे हमने पतले पतले कट कर लिए हैं। प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है। जब प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे 1/2 कप कटी हुई गाजर। तो गाजर को हमने इस तरीके से कट कर लिया है और गाजर को 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर गाजर को हमने पहले ऐड किया है इसलिए कि गाजर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। गाजर को 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं बाकी की सब्ज़ियाँ। यहाँ पर हमने 1/2 कप पत्ता गोभी लिया है और 1/2 कप शिमला मिर्च लिया है। आप इसमें अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। इन सब्ज़ियों को हमें हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पका लेना है, फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे ताकि सब्ज़ियों का क्रंच बना रहे। ऐड करेंगे शेज़वान फ्राइड राइस मसाला, इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब शेज़वान फ्राइड राइस मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून रेड चिल्ली सॉस ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस,
2 टीस्पून डार्क सोया सॉस। तो जो अंडे हमने फ्राई किए थे इसमें डाल देंगे और हल्के हल्के हाथों से इसे हम मिक्स कर देंगे। इसके बाद जो हमने चिकन फ्राई किया था इसे भी हम इसमें डाल देंगे और सब्जियां, चिकन, अंडे सबको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड राइस। अब हम इसमें ऐड करेंगे पके हुए चावल। हमने यहाँ पे 1.5 कप बासमती राइस लिया था और इसे हमने 5 से 6 कप पानी में उबाल लिया। पहले हमने चावल को आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, फिर हमने इसे अच्छी तरह से उबाल लिया और इसे छान लिया है। चावल को हमने 100% कुक किया था और चावल को उबलते टाइम हमने इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर दिया था। मैंने इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, जो कि कैमरा मैंने ऑन नहीं किया था तो आपको दिखा नहीं सकी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग ऑनियन। और इस वक्त हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और इसे हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। तो हमारा फ्राइड राइस बनके रेडी है, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा फ्राइड राइस बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ चिकन फ्राइड राइस की ये डिलीशियस और आसान सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपके फ्राइड राइस कैसे बने। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारे चैनल द किचन सीन्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, गुड बाय।